लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा आंवले की चटनी की। आंवले की चटनी अगर आप अभी सर्दियों में खाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किन बीमारियों में भी फ़ायदा होता है, तो आइए शुरू करते हैं। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवला में विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। डाइट में आंवला शामिल करने से स्किन और बाल भी स्वस्थ रहते हैं। सर्दियों में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसे खाने से मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है। आप आंवले को कई तरह से खा सकते हैं। आप आंवले का अचार, जूस, चटनी और मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आंवले की चटनी खाने के फायदे। इसे खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं में आपको लाभ मिलता है। सर्दियों के मौसम में आंवले की चटनी खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। सर्दियों में आंवले की चटनी खाने से मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाव होता है। अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो आंवले की चटनी का सेवन करें। सर्दियों में आंवले की चटनी खाने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। दरअसल आंवला हमारे पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पेट साफ करने में मदद करता है। अगर आप सर्दियों में पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आंवले की चटनी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आंवले की चटनी खाने से पेट में गैस, कब्ज और अपच की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। डायबिटीज के रोगियों के लिए आंवला की चटनी सेवन बेहद फायदेमंद होता है। आंवला की चटनी में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। आंवला की चटनी खाने से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आंवले की चटनी का सेवन जरूर करें। आंवला हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों में आंवले की चटनी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट भी स्वस्थ रहता है। सर्दियों में आंवले की चटनी सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। सर्दियों में आंवला की चटनी खाने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। दरअसल आंवले में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आंवला की चटनी का सेवन करने से शरीर को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आंवला की चटनी को किस तरह आप बनाएं। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आंवला की चटनी बनाने के लिए सामग्री आपको क्या क्या चाहिए। 50 ग्राम आंवला, 1 कप धनिया पत्ती, 2-3 हरी मिर्च, 5-7 लहसुन की कली और नमक आपके स्वाद के अनुसार। आंवले की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को साफ कर लें। आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसके बीज को निकाल लें। अब एक मिक्सी में आंवला, लहसुन, मिर्ची, धनिया की पत्ती और नमक डाल दें। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालें। इसे अच्छी तरह से पीस लें। आपका आंवला चटनी तैयार है। आप इस चटनी को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे, सुबह नाश्ते के वक्त, दोपहर खाने के वक्त, रात को खाने के वक्त,
आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको कितने सारे फायदे हो रहे हैं, तो अवश्य खाएं। और मैं इतना बोलना चाहूँ, डायबिटीज वाले तो पक्का ही खाएं, तो आपको फायदा होगा। धन्यवाद।